आज मैं आपको दो रंग के कान्हा जी की ड्रेस बनाना सिखा रही हूँ। ये मैं आपको नए स्टाइल की सिखाऊंगी। इसके लिए मुझे दो कलर चाहिए। मैंने ग्रीन और वाइट कलर लिया है, क्रोशिया लिया है, सीजर लिया है। अब मैं ये आपको बनाना सिखाती हूँ। पहले मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगी। बनानी है चैन, बनानी मैंने आपको सिखाई थी। इसके लिए गिनती के हिसाब से नहीं है, वैसे मैंने 16 चैन लिया है। 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। 3, 4, 5, 14। ये हम अपने कान्हा जी के गले से ऐसे नाप लेंगे, इसको ज़्यादा लंबा करके कि हमें कितनी चाहिए उस हिसाब से महंगे जितने नंबर का कान्हा जी। अभी थोड़ी छोटी है, 2 चैन और ले लेंगे। अगर छोटे कान्हा जी होंगे तो उसके लिए उनके गले के हिसाब से लेनी है हमें 16 चैन। लेने के बाद 2 चैन एक्स्ट्रा लेंगे, 16 चैन बनाने के बाद, गले के हिसाब से चैन बनाने के बाद हमें ये चैन आपस में पहली चैन में लेके स्लिप स्टिच कर देनी है। और अब हमें 3 चैन लेनी है, 1, 2, 3। और नेक्स्ट चैन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, देखिए इस तरह 1। अब हमें हर चैन में 2 बारी डबल क्रोशिया बनाना है। बनाते हुए ऐसे हर चैन में डबल क्रोशिया भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ बनाना। ये देखिए चैन जोड़ने के बाद पहले तो 3 चैन ली थी, उसके ऊपर नहीं बनाना था। अगली चैन में, हर एक चैन में मुझे 2-2 डबल क्रोशिया बनानी। ये हमें यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक पूरी करनी है। ये हमारी लाइन पूरी हो गई है। हर एक चैन के अंदर हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया किया था। और ये 3 चैन की हमें तीसरी चैन में स्लिप स्टिच करनी है। ये देखिए इस तरह से ये हमारे कान्हा जी का गला बन गया है। अब हमें दोबारा से 3 चैन लेनी है और एक राउंड और हमें लगाना है इसके ऊपर। अब हमें हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, कुछ बढ़ाना नहीं है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के जाना है। इसी तरह पूरी लाइन करनी है। ये देखिए ये हमारे हो रहे हैं, इस तरह हमें ये पूरी लाइन करते जाना है। ये देखिए मैंने 14 चैन बनाई थी, उसके ऊपर पहले डबल क्रोशिया बनाया हर एक चैन के अंदर, और फिर हर चैन के हर एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोश डबल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे पहली चैन में। ये देखिए ये इस तरह हमारे कान्हा जी की जैकेट बन गई है। अब ये हमारे जो फंदे हैं इनको गिनते हैं, ये हमारे 24 फंदे हैं। इनको अब हमें 4 हिस्सों में करना है। 24 फंदे हैं, इन्हें हमें 6-6 करने हैं, मतलब 4 हिस्सों में करना है। 2 चैन लेंगे और हमें यहाँ से इसके एक ये हो गया हमारा। अब 6 बारी हमें डबल क्रोशिया करना है। 2, 3, 4। ये देखिए पहले मैंने 14 चैन बनाई, उसके ऊपर हर एक चैन के अंदर मैंने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए। 2-2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद उसके ऊपर लाइन में मैंने हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब ये मेरे 28 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसे मैंने 4 हिस्से में करने हैं। 7 × 28, 7 फंदे बुनने हैं। अब हमें एक ये चैन हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारे 7 फंदे हो गए हैं। इसके बाद हमें 7 फंदे बाजू के लिए लेने हैं, लेकिन हम इसमें बाजू के फंदे अलग नहीं करेंगे। यहाँ 7 फंदे बनाने के बाद अब हम दोबारा 2 चैन लेंगे और टर्न करेंगे। अब हमारे हर एक 7 फंदों के ऊपर हर एक में से टर्न करने के बाद मैंने 2 चैन लिए हैं। जो चैन लिया उसी के अंदर से एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब नेक्स्ट में डबल क्रोशिया एक में से ही 2 बारी बनाना है हमें, हर एक में से 2-2 बारी बनाना है हमें। 7 बनाए थे, 7 के ऊपर 14 हो जाएंगे हमारे, हर एक में से 2-2 बारी बना के। ये देखिए इस तरह हमारे डबल क्रोशिया बन रहे हैं। हर एक में से 2-2 बारी डबल क्रोशिया बना लिया है। 7 के ऊपर 14 हो गए। अब हम 2 चैन लेंगे और इसको टर्न करेंगे। अब इस चैन के ऊपर एक बारी और लेंगे, 2 बारी डबल क्रोशिया हो गए जिसमें से चैन बनाई थी। ये हमारे 2 हो गए हैं। नेक्स्ट में एक बारी लेंगे, डबल क्रोशिया बनाना है हर एक में। इसमें एक बारी बनाया, शुरू में 2 बनाए हैं, फिर एक बनाया है, अब फिर 2 बनाने हैं। एक ही चैन में से अब 2 बारी बनाना है। इसी तरह हमें ये राउंड पूरा करना है यहाँ तक। एक में एक बारी, एक में 2 बारी, एक में एक बारी, एक में 2 बारी। ये देखिए मैंने इस राउंड में एक चैन में एक बारी, एक में 2 बारी डबल क्रोशिया बनाया है। अब ये देखिए लास्ट में एक बारी बनेगा हमारा।
और इससे नेक्स्ट में दो बारी, दो बारी बनाने के बाद अब हम दोबारा दो चैन लेंगे। अब इसके ऊपर नहीं बनाना है, इससे अगली चैन में एक बारी, ये हमारे दो हो गए हैं, तीन, तीसरी चैन। अब पहले हमने एक में एक बारी लिया था, एक में दो बारी, अब हमें दो में एक एक बारी लेना है, तीसरी में दो बारी लेना है। इस तरह राउंड बनाना है। जैसे देखिए इसमें दो बारी बनाई है मैंने डबल क्रोशिया, अब मुझे एक बारी बनाना है, नेक्स्ट में एक बारी बनाया है, इससे नेक्स्ट में भी एक बारी, और इससे नेक्स्ट में दो बारी, एक ही चैन के अंदर से दो बारी डबल क्रोशिया। ये देखिए दो बारी बना के, नेक्स्ट में एक बारी, और इससे नेक्स्ट में भी एक बारी। ये देखिए इस तरह एक आना जी का घेर बनता जा रहा है। ये देखिए इस तरह एक आना जी का घेर बन रहा है। जितने बड़े काना जी हैं उसके हिसाब से बनाते जाना है। जैसे मेरे पांच नंबर के हैं, अभी मुझे एक राउंड और बनाना पड़ेगा। उसके लिए फिर हमें क्या करना है, दो चैन लेनी है, और अब की बार हमने दो में एक एक बनाया था, तीसरे में दो बारी बनाया था, अब हमें तीन में एक एक बनाना है और चौथे में दो बारी बनाना है। इस तरह राउंड करना है। ये देखिए एक आना जी का घेर ऐसे तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से बन गया है एक आना जी का घेर। अगर आपको और बड़ा बनाना है तो जैसे मैंने तीन में एक एक बारी और चौथी में दो बारी लिया था, इसी तरह और बनाते जाए। मैंने ये बना दिया। अब ये देखिए यहाँ पे ये दो चैन लेके उन कट कर देंगे। अगर ज़्यादा बड़ा बनाना है तो और दो राउंड लगा सकते हैं आप। मैंने इतना ही बनाया है उन कट करके। अब हमें सात फंदे गिनने हैं यहाँ से, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे छोड़ के आठवें फंदे में हमें पीछे का बनाना है, ऊन जोड़नी है यहाँ से। देखिए इसके लिए हमें दो चैन लेनी है और इसमें से ही सात फंदे बनाने हैं, जैसे हमने आगे बनाया था उसी तरीके से बनाना है हमें। ये साथ में ऊन लेते जाएं जिससे हमारी सफाई आए। दो तीन सात बारी डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये हमारे चार हो गए हैं, पाँच छः सात। ये देखिए इस तरह सात बनाने के बाद ये हमारी इस तरह से जैकेट बन जाएगी। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया है उसी तरह बनाने हैं। अब ये हर एक में दो दो बारी डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक एक जैसे हमने बनाया था आगे का राउंड, इसी तरह हमें पीछे का भी बनाना है। सात बारी बना के हर एक में दो दो बारी, फिर एक एक बार एक एक छोड़ के, फिर दो दो छोड़ के, फिर तीन तीन छोड़ के, इस तरह हमें सेम ऐसा बनाना है घेर पीछे का। मैं ये देखिए मैंने सात बारी डबल क्रोशिया बना दिया। अब दो चैन लेके फिर टर्न करेंगे। अब मुझे हर एक में दो दो बारी डबल क्रोशिया बनाने हैं, जिस तरह मैंने आगे का घेरा बनाया उसी तरह बनाने हैं। सात के ऊपर चौदह बनाने हैं, ये देखिए सात के ऊपर चौदह बनाने हैं, फिर चौदह के ऊपर एक छोड़ के एक में डबल क्रोशिया, उससे अगले राउंड में दो पे एक एक डबल क्रोशिया, और तीसरे में दो बारी डबल क्रोशिया, चौथी लाइन में तीन पे एक एक डबल क्रोशिया, और चौथे में दो बारी डबल क्रोशिया। इस तरह हमें ये राउंड बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच राउंड बनाने हैं। जैसे घेर बन गया है, ये हमारा पीछे का भी बना लिया है, ये इस टाइप से हो गया है हमारा घेर। देखिए काना जी का हमारा घेर बन गया है, ये बाजू बन गई है। अब हमें इसकी किंगरी बनानी है। किंगरी बनाने के लिए जहाँ से हमने ये सात फंदे बनाए थे वहाँ से हमें ऊन जोड़नी है। ऊन जोड़ने के लिए पहले हम एक नॉट बना लेते हैं। नॉट बना के यहाँ से इसके अंदर जोड़े, ये देखिए ऐसे करके यहाँ से। अब तीन चैन लेनी है, एक दो तीन। तीन चैन लेने के बाद ये जो अगला फंदा है इसके अंदर से है फंदा, इसके अंदर से हमें स्लिप स्टिच करनी है इसको। फिर तीन चैन लेनी है, एक दो तीन। फिर नेक्स्ट में से हमें स्लिप स्टिच करना है, फिर एक दो तीन, तीन करके नेक्स्ट में से स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह किंगरी बन जाएगी। इसे बनाते हुए मैं यहाँ तक आना है, इससे आगे मैं आपको बताऊँगी। हमारी ऐसे किंगरी बन गई है। अब यहाँ हम आ गए हैं घेरे पर। हमें क्या करना है, एक दो तीन चैन बना के हर एक में से नहीं लेना, एक एक फंदा छोड़ के लेना, क्योंकि पास पास लेंगे तो वो उभरी उभरी बनेगी, वो गंदी लगेगी। इसलिए हमें तीन चैन लेके
एक एक फंदा छोड़ना है और नेक्स्ट में लेना है, ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ते जाना है ताकि ये ज़्यादा उभरी उभरी ना बने। इसीलिए हमें ये पूरा राउंड करके यहाँ तक आना है। ये देखिए इस तरह ही हमारी किंगरी पूरी हो गई है। मैं यहाँ लास्ट में आ गई हूँ, यहाँ पे हमने जहाँ से शुरू की थी वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच करके जोड़ दीजिए इसको और दो चैन लेके ऊन कट कर दीजिए। ये देखिए एक जोड़ दें ऊन को जिससे हमारा साफ लगे, नॉट लगा दे पीछे कहीं भी इसको ऊन को जोड़ के। जिससे सफाई लगे। ये देखिए इस तरह ही हमारी किंगरी पूरी हो गई है। इसको हम जबले की तरह भी बना सकते हैं कान्हा जी को। इसके लिए अब हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे जिससे ये खुला खुला सा ना रहे। अब मैं आपको डोरी बनाना सिखाती हूँ। इस तरह हमें इसकी डोरी बनानी है। ये देखिए मैंने एक बनाई है, एक और बनानी है। डोरी के लिए मैंने ये चैन बनाई है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। चैन की कोई ये डोरी बनाने के लिए चैन की कोई गिनती नहीं है, आप लंबाई के हिसाब से बनाएं और थोड़ा धागा लंबा रखें। पूरी बन गई है। इसके लिए मैंने ये ऐसे जूपर से लगाए हैं, आप मोती भी लगा सकते हैं। ये बनाने के लिए हमें क्या करना है, ऊन लीजिए, इसको दो फिंगर पे ऐसे 15 बार लपेट लीजिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 करके ऊन यहाँ से कट कीजिए। ये हो गया है। ये हमने इसमें थोड़ा धागा लंबा छोड़ा था, ये इसके अंदर से निकाल के ऐसे और ऐसे पकड़े, इसको नोट लगाए जाते। इसमें चैन भी आए थोड़ी सी तो सही रहेगा, अच्छा लगेगा। ये ऐसे नोट लगाएं, ये दो बार ही नोट लगा दे जिससे खुले ना ये। ये देखिए ये हमारा बन गया है। और दूसरी साइड से पकड़े और हमने थोड़ा लंबा ज़्यादा छोड़ा हुआ है जिससे बांधने में आसानी रहे। ऐसे करके ये दूसरी साइड भी बांध दे इसे, ऐसे टाइट करके बांध दे थोड़ा जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए बांध के ऐसे करें और बीच में से कट कर दें, बीचों बीच इसको कट कर दें। ये देखिए इस तरह ये इस तरह कट हो गया। देखिए कोई लंबा रह जाए तो उसे कट करके बराबर कर दें। ये ऐसे करके इसको हमें यहाँ डालना है जो हमने ये हम कान्हा जी को जबले की तरह भी बना सकते हैं, ड्रेस के ऊपर भी बना सकते हैं। ये दो डोरी बनाई है जो हमने 7 फंदे लिए थे, ये डोरी हमें यहाँ से डालनी है। देखिए ये 7 फंदे हैं, यहाँ से हमें डोरी डालनी शुरू करनी है। डोरी ले और यहाँ से डालनी है। ये ऐसे डालनी है, इधर से मैंने डाली, आगे दो फंदे एक फंदा छोड़ के पूरी हमें वहाँ तक लेनी है आखिरी तक। ये देखिए फिर इधर से क्रोशिया की सहायता से या पिन की सहायता से कैसे भी डाल सकते हैं आप इसको। ये देखिए इधर से खींचे इसको, ध्यान से निकालें कि ये हमारा ऐसे डल गया है जुब्बन। ये हम जुब्बन बाद में भी डाल सकते हैं डोरी डाल के, अगर परेशानी हो तो आराम से डाल के चैन और फिर दोनों साइड बांध दें। कंघे से भी ऐसे सीधे कर सकते हैं, पकड़ के ऐसे कंघे से इसको ऊन को खोल सकते हैं जिससे ये बहुत और सुंदर लगेगा हमारा। ऐसे खोलने के बाद इनको बराबर कर लीजिए छोटे बड़े हों। ये देखिए हमारे ऐसे जुब्बन बन गए, जबला बन गया। ये कान्हा जी को पहनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। इसमें आप मोती भी लगा सकते हैं जुब्बन की डोरी की जगह। ऐसे कान्हा जी के हाथ के नीचे से आके इसको ऐसे डोरी बांध देंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे इधर से कान्हा जी को ऐसे बांध देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह कान्हा जी को देखिए कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिखाई है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको ड्रेस कैसी लगी।